बहुत बाहर तो होगा, बहुत तो अंदर ही होगा। जितना शांत रहेंगे, जितना मौन रहेंगे, आपको मौन से बहुत डर लगता है, शांति से बहुत डर लगता है, अकेले से बहुत डर लगता है, घबराने लगते हैं अकेले हो जाए, एकांत से बहुत डर लगता है। हम इतना संग्रह को भी ऐसे की हम कोई हम ये हो जाए कि हम अकेले पड़ गए। और यहाँ रात की यात्रा है, अंतर जगह तो आपको अकेले ऐसी शांत होना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने को शांत रखने के लिए मौन का अभ्यास करें, नहीं मौनक हुई तो मौन है ऊपर मन का है, मतलब जब मन होता है तो वो मौन है, मन के साथ मौन नहीं है। हम सोचते मौन क्या है, चुप है, चुप नहीं कर सकते। तो जब इतना मन है तो खटपट चलती ही है। जब मन नहीं होगा तब खटपट बंद होगी, तब मन होगा। वही वही है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही चेतन तत्व है, वही गुरु तत्व है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही ज्योत है, वही ब्रह्म है, वही परब्रह्म है, ठीक है। बस इतनी ही बात है कि खटपट बंद करने के लिए, मन शांति के लिए हजारों उपाय। कोई माला जप रहा है, तो कोई तीर्थों का सेवन कर रहा है, तो कोई शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। नाना जो हमारे मार्ग है, नाना जो हमारे विधान है, केवल मन का शांत हो जाने के और मौन हो जाना ही स्वभाव ब्रह्म पार होता है। निःशब्द तो विजान या स्वभाव ब्रह्म पार्वती। भगवान श्री गीता में कहते हैं कि हे पार्वती, निःशब्द मतलब सब दुखों मौन ब्रह्म है। ब्रह्म कैसा है, जैसे कपूर और कुमकुम जो होते हैं, कपूर को देखा वो स्वभाव से ही ठंडा है, और कुमकुम सिंदूर होता है वो स्वभाव से ही गर्म है। निज स्वभाव कपूर और कुमकुम जो है वो शीतोष्ण, जैसे ये दोनों चीजें स्वभाव से ही ठंडी और गर्म है, वैसे ही ब्रह्म का जो स्वभाव है वो साक्षात मौन। मौन का कभी अभाव नहीं हो सकता। एक मौन जो शाश्वत है, जहां शब्द नहीं है, ओंकार उसमें से निकला है, ठीक है, उसके और ऊपर जाएंगे तो वो मौन है। जो ओंकार की ये जब निकले, ये उसका वाचक कह देते हैं एक पहचान, क्योंकि उस शाश्वतता को तो व्यक्ति भी नहीं किया जा सकता, सत्य नहीं वहां व्यक्त कैसे। इसलिए हमने भगवान को ईश्वर का भगवान बोले, ईश्वर भगवान तो फिर हमारे हम अवतार लेकर के जो आते हैं विष्णु भगवान। देखिए हम ब्रह्म की भी बात जो करें, वो ब्रह्म जब व्यक्त होता है पर ब्रह्म, तो फिर वो ओंकार के रूप ईश्वर, जिसे पतंजलि भगवान ने कहा तस्य वाच्यः बड़वा तस्य वाच्यः, बड़ा भैया ओंकार जो है उसका वाचक है, उसे सकल नाम है। ईश्वर को हम कैसे बुलाए, हम कैसे ओम, लेकिन ओम भी वो नहीं है, समझ लेना कि ओम भी है। ओम भी शादर्शी के डबरू से निकलता है, ओम भी नहीं। वो तो बिल्कुल शाश्वत है, शाश्वत का कोई शब्द नहीं है, ना कोई रूप है, ना रंग है, ना रस है। वहां तो इंद्रियों की पहुंच ही नहीं है, इंद्रियां ठीक है, अकल तो मनुपुन तपत्तम दिगंत,
अब वो ज्यादा वो इंद्रियों से अति अकल है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते, अनूप है, उसका रूप नहीं किसी जैसा है, तपंता दिगंतर, उसका विस्तार सभी दिशाओं से परे है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पाप का यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम भवति। वो है मेरा शाश्वत रूप, जब वहां को जाता होता है तब शांत हो जाता, कोई शब्द नहीं, और वो परम आनंद, अगर आप अगर उसका आप कोई शब्द देंगे तो हम परम आनंद देंगे, क्यों सोहम ईद होता है, मैं भी वही हूं, मैं वही हूं, यही तो आएगा आपके अंदर, आप मिल गए हैं तभी तो आप इतने बड़े हुए आ जाते हैं, सागर में गिर गई इतनी बड़ी हो गई, उसको एक एहसास हुआ तो उसे आनंद ही तो आएगा, और क्या तो शाश्वत तक कहा तो नहीं जा सकता सब, लेकिन अद्भुत का स्वभाव है ये हमारा, यही हमारा स्वभाव, इसीलिए हम इतना भटकते हैं, इतना हमें चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए कि हम शांत हो जाए, उल्टा है जो चाहिए शब्द आ गया इसने आपको उल्टी दिशा में, आप बाहर निकल आए था अंदर और आप बाहर निकल आए, और आवाज पीछे से आ रही है, मांग पीछे से आ रही है, अंदर से आ रही है, ढूंढ रहे आप बाहर, कोई चीज खो जाए और आप बाहर खोज, कभी नहीं मिलेगी, जहां आप खोज रहे हैं वहां कभी नहीं मिलेगी, तो इन्हें इस तरीके से नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको अंतर जगत में प्रवेश करना होगा ध्यान के द्वारा, क्योंकि ये अनुभव करने वाला ना आपका मन है, ना आपकी बुद्धि है, ना आपको, ये तो जब ये सब शांत हो जाएंगे आपके, आपका अंतकरण शांत प्रकट होगा, स्वयं संवेद है, शिव क्या है, सदाशिव क्या, स्वयं संवेद है, जब आप शांत हो गए किसी समय तो आपको अपने आप प्रकट होकर के दिखता है, और हम उल्टा कर रहे हैं, हम उतना ही हल्ला मचा कर उसे प्राप्त करना चाहते हैं, यही फर्क है, इसीलिए गुरु जो होता है वो आपको अंदर ढके, गुरु क्या करता है वही तो आपको अंदर खींच के, वो है जो आपको इस प्रकार जो आपको ये दिख रहा है ना संसार का इस झबेड़े से, इस पूरे जो आपका पूरा ज्ञान का जो जाला बना है उससे आपको खींच करके पीछे की अंधकार है, लोग ये जो बाहर का जो आप जिसमें अटक गए उससे बाहर निकाल ये जा करके आपको आपका साम्राज्य दिला देते शासन, बिना उसकी गुरु व्यवहार शक्ति शिष्य से वित्ताभार तभी कम बनने शिष्य संताप हार, उसके बाद संताप नहीं है, क्योंकि उसे पता है बहिर् जगत जो है वो तो उसकी कुछ भी नहीं है, उसका वो तो सृष्टि का प्रलय होता है, लय होता है, प्रकृति भी प्रभाव प्रलय, फिर उसकी बार बार प्रलय होता है, कितनी बार हम आए, कितनी बार कितने सर्गों में हम आए, कितने सर्गों में हम रहे, फिर चले, फिर उस चीज का सारी चीज का जो बोध हो जाने से जो सत्ता है, हाँ ये मेरा ये तेरा ये अच्छा वो बुरा ये पाना है वो नहीं, इस तरीके का जो संताप है जिससे हम तपित हो गए आध्यात्मिक दैनिक दैनिक प्रतिक्रिया पर उससे हम मुक्त हो जाते हैं, उससे मुक्त करता है जिसकी तुम्हें अभी कल्पना भी नहीं किसी
न तुम अभी ये नहीं समझ पाओगे कि इतनी बात हम क्यों कह रहे हैं। तो उसे तुम कहोगे जब तुम स्वयं होगे, तब तुम कहोगे, तब तुम पहली बार कहोगे अहो भाव, तब व्यक्त होता है, तब गुरु के प्रति वास्तव में श्रद्धा होती है, जब सत्य का दर्शन, श्रद्धा सत्य का दर्शन, तब से अहो भाव उत्पन्न होता। फिर वो ये नहीं कहता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, मतलब इस तरीके से नहीं कहता जैसे अभी आरती बोल रहे हो, ये बोल रहे हैं, उसको साथ में, उसके साथ में उसका अनुभव भी करता है। और जो साथ में अनुभव करेगा तो उसका रस के साथ में, उसकी रसानुभूति जो है वो आनंद है, इसीलिए उसको आनंदमान आनंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध। देखने से बोध उत्पन्न हो जाता है, जिनके जिनके स्मरण मात्र से बोध होता। गुरु मंत्र को ऐसा बस बहुत सारे अगर गुरु ही गुरु करते हैं, अखंड ज्योति नाम लाल को ये गया है और कुछ लोगों को नहीं इतनी सारी बात का वो रहता है ज्ञान का। प्रभु जी के सिर बचे हैं कि जो अखंड ज्योति से ही प्रभु जी के तत्व को जाने, आरती इतनी प्रभु जी की जो है चरणारविंद गुरुदेव मनानी, ये अपने आप में इतनी परिपूर्ण है योग के लिए कि अगर इसका छह महीने भी कर लीजिए तो आपको इसमें क्या नहीं है। इस आरती में आप देखिए ना, न जाना भी जापक, न जाना भी ध्यान, क्योंकि अंत में सिद्ध शरणागति तो आप नहीं देख पाएंगे। जब आप चलेंगे ना और आप पढ़ेंगे और जब आपकी कुंडली महाशक्ति अगर जागृत हो जाए, ठीक है, तो आप नहीं देख पाएंगे कितना आपने वो रखा है, क्योंकि अभी तो आपके पास इतना सा है, इतने से आप संस्कार लेकर के आए हैं मुश्किल से जरा सा, और आपको एक सीमित उसमें रहना है। जैसे आप 60 साल की आयु लेकर के आए हैं, 100 साल की आयु लेकर, आपको इतने सारे आपके उस समय के जो संस्कार होंगे वो आपको संस्कार लेके आए हैं, ठीक है। जैसे एक बहुत बड़ा टंकी हो, उसमें से आप दो कलश टंकी आप निकाल के लाए, आपको दिए गए हैं, और बाकी आपका कारण शरीर में सब सुरक्षित है, पूरा आपका जो टंकी है वो सुरक्षित है कारण से। तो यहाँ तो आप थोड़ा सा लेके आए थे, और अगर इसी में आपका कोई ऐसा संस्कार होता है गुरु शरणागत होता है इस तरीके का, वो गुरु केवल उतना ही नहीं भुगतान कराएगा आपको, तो वो कारण शरीर को भी न करेगा। सारा जितना आपकी स्टोरेज में जितना था उस सबको, इसलिए जब भी ऐसा होता है इसी साधन, तो एक बार जरूर उसके अंदर इतना ज्यादा बदलाव आता है, आता है एक बार। उस समय वाले रहती है मृत्यु, बच्चे प्रभु जी के अनुशासन में रहते हैं, गुरु के संतोष में रहते हैं, उनको संभाल ले जाता है। और तुमने अगर मन मुक्ता उसी समय कर दी तो तुम्हारा फिर से भटक जाना बच सकता है। इसलिए आप वही समय थे इस गुरु संतोष ने मारिए, और फिर से आपके अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये अर्थ समझिए, इस अर्थ को मनन चिंतन करते रहिए दिन भर, और जब मनन चिंतन करते ध्यान करते हैं तो चिदाकाश हमारी चिदाकाश में, हमारे चित्त के आकाश में प्रवची हमारे प्रश्नों का उत्तर आकाशवाणी के रूप में थे। बस आते हैं प्रवची।